आप मैप लगा लो। मैप नहीं लगाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे। देख दिल्ली कैंट घुमा के लाया था, अब इस तरफ घुमा के लाऊंगा। आप देख रहे होगा इधर भी बेफालतू में दिल्ली कैंट ले गए, आना मायापुरी था। और देखो अभी मैप नहीं लगाया, चल दिए चलो। ये देखो देखो, वाह दीदी वाह, मजा आ गया भाई साहब। फोन पे बात कर रही हो, मतलब ही नहीं है उसे इस बात से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। तो भाई मौसम आज बड़ा एक नंबर हो रहा है, इतने दिन से गर्मी 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 मौसम, ऐसा मौसम मुझे बड़ा पसंद है। रहे ऐसा ही बारिश ना पड़े, बस बारिश से थोड़ी सी चिड़ है मुझे। बाकी आज भाई जा रहे हैं जरा डुकासुर में, इसके जूते नए पहनाने इसे। तो एक तो भाई आज इसका टायर चेंज कराऊंगा आगे पीछे का दोनों, और ये 14,000 चल गई, 14,484 किलोमीटर। मतलब चैन जो है ना बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही है, देखो खस 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 करती है। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसके अंदर अगर किसी ने नोटिस करा हो ना, तो चैन इसकी बहुत गंदी आवाज़ कर रही है टाइट कराने के बाद भी। तो इसका जहाँ तक स्प्रॉकेट है वो ख़त्म हो गया है, तो वो भी चल के दिखाते हैं। पूरा चैन सेट चेंज कराना होगा वो करा लूँगा। और मेरे को वैसे जहाँ तक उम्मीद है, मेरे को बताया था एक मैकेनिक ने चेन टाइट करने वाले ने, कह रहा भैया आपका पीछे वाला स्प्रॉकेट तो ठीक है, आप ना आगे आगे का चेंज करा लो और आपकी बाइक अभी चल जाएगी, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा, कह रहा अभी आप ना इसको मतलब आगे आगे का अगर चेंज करा लोगे ना, तो आपकी बाइक आराम से 3,000-4,000 या 5,000 किलोमीटर चल जाएगी। तो मैंने कहा यार देखो 5,000 किलोमीटर तो अच्छा खासा टाइम होता है, 14 चलिए 20,000 चल जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिलहाल अभी चेन सेट को नहीं चेंज कराता हूँ, और बाकी एक बार ही देख लूँगा, ज़रूरत लगेगी चेंज कराने की तो मैं चेंज भी करा लूँगा। और बस मेरे को आगे विरल भाई मिलेंगे, उनकी ड्यूक के अंदर क्या करवाना है, उनको थ्रोटल बॉडी क्लीन करानी है, और उसकी डिटेलिंग की डेट आ गई है बाइक की, तो बाइक को डिटेलिंग पे छोड़ के आना है, क्योंकि भाई ने वो करवा रखी है ना उसके ऊपर सेरेमिक। तो सेरेमिक में 6 महीने के बाद या फिर कुछ महीनों के, हाँ 6 महीने ही होते हैं, जहाँ तक 6-8 महीने जो भी हैं, उसके बाद डेट आती है। आपको एक पैम्पर की जो फ्री वॉश या कोट वोट मिला होता है तो वो करेंगे वो लोग, तो उसके लिए बाइक छोड़ के आनी है, बिल्कुल वापसी नहीं हो जाएगी ड्यूक, तो उनकी बाइक भी छोड़ देंगे साइड बाय साइड। तो आज आपको सारा काम भी दिखाएंगे डेली, मतलब डे टू डे लाइफ में क्या चलता है कैसा रहता है वो वाला पूरा, मतलब एक जैसे नॉर्मल व्लॉग बनाते हैं उस वाले स्टाइल में आज का व्लॉग बनाने का थोड़ा सा प्लान करा है मैंने। और कल मैंने थोड़ा सा यार क्लच भी एडजस्ट करवा दिया, मतलब थोड़ा सा छिड़ गया था बाहर, मतलब मेरे को थोड़ा सा नहीं ठीक नहीं चल रहा था, वो भी दिखाना था, तो वो एक भाई को दिखाया मैंने, वो भाई बढ़िया काम करते हैं, बस पर्सनली थोड़ा सा मतलब इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आउट हो गई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, देखना मैंने कितना छोड़ा हुआ है, कहाँ पे चल रहा है नहीं यार। और क्लच मेरे को पसंद है कि ना तो बहुत आगे चले ना तो बहुत पीछे चले, बीच में चलना चाहिए मिड में, और ये मिड में नहीं चल रहा है, बदतमीजी पे उतरा हुआ है। पेट्रोल कितना है डुकासुर में? आप लोगों को गाइस एक बात बताऊँ मैं, जो लोग मतलब KTM ओन करते हैं उन्हें तो खैर पता ही होगी ये बात, जैसे कि अभी ये ड्यूक दिखा रही है 3 डंडे पेट्रोल दिखा रही है, और रेंज दिखा रही है 80 किलोमीटर की। इसके अंदर 3 डंडे पेट्रोल का मतलब पता है आप लोग अभी कितने लीटर पेट्रोल होगा? हमने अक्षय भाई की जो RC का टैंक है ना वो क्लीन करवाया था, तो उसमें भी 13 लीटर की टंकी है, इसमें भी 13 लीटर की है। जब उसमें 3 डंडे पेट्रोल बचते हैं ना, तो भाई उसमें से पेट्रोल निकला था कुछ 5.5 या 6 लीटर के आसपास, मतलब ये 3 डंडे में अपने अंदर 6 लीटर पेट्रोल दबा के रखती है। और अगर ये 1 लीटर में 20 किलोमीटर भी जा रही है, तो आप 6 लीटर में लगा लो 120 किलोमीटर की रेंज होनी चाहिए, ठीक है? और मीटर देखो कितने दिखा रहा है, 80, और जिसमें कि अभी की एवरेज आ रही है। मैंने ट्रिप टू लास्ट टाइम 0 करा था जब ये फुल कराई थी, ट्रिप टू में मैं इसको 215 किलोमीटर चला चुका हूँ, और एवरेज दिखा रही है 29.2 किलोमीटर की, हालांकि जो है 29 की गलत दिखा रही है, 2 या 3 का इसमें झोल झाल रहता है, तो वही एवरेज आएगी है। तो अपनी जो 20-22 की अगर मैं अभी फुल करा लेता हूँ, तो चलो फुल तो बाद में कराऊंगा, अभी पहले जो काम है वो निपटाते हैं, पेट्रोल बाद में डलाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें पेट्रोल होता ही है, थोड़ा उल्लू बनाती है। और इतना है अभी कि फ्यूल पंप को भी कोई हार्म नहीं होगा, फ्यूल पंप को कितना चाहिए होता है, 2.7 लीटर चाहिए होता है इसको, KTM का ड्यूक का 3 लीटर मान लो, तो कोई नहीं हम 2 लीटर तेल तो जलाएं 40 किलोमीटर चला लेंगे इस फिर लाएंगे। अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, अभी हम आगे डला लेंगे पेट्रोल, पर मेरे को पहले अभी ना जरा पहुँचना है यार। एक तो ये साली ड्यूक इतनी भूखी रहती है ना इसकी टंकी, मैं चाहता हूँ KTM वालों मेरी रिक्वेस्ट है और बड़ी कर दो, ये साली कम से कम एक टंकी पर 300-350 किलोमीटर तो चल जाए, बार बार भराने में गाइस आफत आती है, ये दिक्कत नहीं है, पी रही है पीती रहे, रुको डलाओ, वो बड़ा सरदर्दी लगने लग गई है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने परसों ही फुल कराई थी, अब फिर रुको फिर डलाओ, ठीक है पेट्रोल पिएगी उस बात से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, पेट्रोल तो जितना मर्जी उतना पी, पेट्रोल देखना होता तो भाई डुकासुर थोड़ी ना चलाते। ये जो पावर का मजा देती है ना ओवरटेक करते टाइम, डराती नहीं है वहाँ पे, ये अपने पेट्रोल के हर चीज़ के पैसे अदा कर देती है,
बस यही सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से आप लोगों को डुगासुर से प्यार हो जाएगा। तो भाई देखो फाइनली करोलबाग आ गए हैं और अब करवाते हैं भाई डुगासुर के अंदर टायर चेंज। अब मैं इसके अंदर आज डलवा रहा हूँ अपोलो अल्फा एच वन डलेगा इसमें। भैया आप जब इसे खोलोगे तो एक बार आगे का हल्का सा ब्रेक पैड क्लीन कर सकते हो, आगे वाला एक बार हल्का सा कर देना, वो आवाज़ कर रहा है। अब भाई देखो एक कंसर्न ये भी हो रहा था कि इसका जो चैन सेट है इसके दांत वांत तो नहीं ख़त्म हो गए। अब पता नहीं यार ख़त्म हुए हैं या बचे हैं, अभी तो मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है, पर थोड़े ऐसा तो लग रहा है देखने में कि घिस गए हैं। एक बारी KTM चलूंगा अब यहाँ से वहाँ पे दिखा लेंगे। चेन वेन तो मेरी बराबर ली होगा। आगे वाली जो गरारी है ना, आगे वाला जो आप कह सकते हो छोटा मिनी स्प्रॉकेट है, उसके ज़्यादा हाल ख़राब है। यार डुगासुर कितनी गंदी हो रही है, इसको धुलवाऊंगा यार मैं बाइक को। और ये मेरी पीछे का बाकी सारा सामान तो सॉर्टेड है, और इसके ऊपर एक ब्लैक पेंट मारने का काम करना था मेरे को, ये भी करना है मेरे को। बाइक में ऐसे छोटे मोटे काम जब पेंडिंग रहते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें एकदम टिच करूँगा। और इधर की तरफ से ये आवाज़ कर रहा है, कल रात में मैंने इसमें वो स्प्रे भी लगवाया था। अब कौन सेट का इशू है, क्या है क्या नहीं है, ये भी दिखाना है। मतलब छोटे छोटे इसमें काम आ गए हैं और उसकी सर्विस भी आने वाली है। सर्विस में पूरी डुगासुर को चकाचक ब्रांड न्यू करवाते हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। मतलब दिक्कत, आई डोंट लाइक दिस दिक्कत। तो भाई देखो फाइनली अपोलो अल्फा H1 आ गया है, इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं पीछे वाला टायर और ये रहा आगे वाला। मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी 2022 के, वो पुराना टायर नहीं है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। और 110/70 ZR17, ये Z का मतलब क्या होता है भैया? आर तो क्या चीज़ भैया? स्टील बेल्टेड रेडियल। अच्छा स्टील बेल्टेड रेडियल ZR17। ओके ZR का मतलब होता है रेडियल, आर का मतलब तो रेडियल है। हाँ ये Z का ही पूछ रहा हूँ। ओके स्टील बेल्टेड। सिर्फ आर लिखा होगा, ZR लिखा है तो स्टील बेल्टेड, क्योंकि सुपर बाइक्स में जो टायर होते हैं उनमें ZR लिखा रहता है मोस्टली। में मैंने देखो ना ZR लिखा होगा नहीं, उसमें खाली आर आता है, फिर वो सिर्फ रेडियल है, सिर्फ रेडियल नहीं है। दिसंबर 2022 का बना हुआ ये भाई, इसमें डेट क्या लिखी रहती है DOT टायर पे? 23 का है ये, 2 मतलब फरवरी और 2023 है, पर ये दिसंबर 22 को लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टिकर चिपका दिया होगा ना। चलो हाँ, क्योंकि भाई मेन डेट तो ये वाली मानी जाती है ना गाइस, 2 मतलब फरवरी 23। ये भी 23 है, एकदम सॉफ्ट टायर होगा, बिल्कुल नया यार, बड़ा पतला नहीं लग रहा है ये? अभी लग रहा है क्योंकि पूरा घुमा हुआ टायर है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे ऐसा पतला देख के। रहने दो, कट करते हैं इसको तो। गाइस देखो टायर आ चुका है, यहाँ पे थोड़ी फालतू की बात चल रही है, ये वो एडजस्ट होता है ना, तो बस अब इसको मस्त देखते हैं। यहाँ पे सेट कर रहे हैं भाई, हवा हवा भर दी है भैया। कितनी हवा भरोगे यार? इसमें तो 29 लिखी रहती है ड्यूक में, 39-35 ज़्यादा हो जाएगी। आप 33 कर दो यार, 32 कर दो, क्योंकि 34 अच्छा लग रहा है आपको। चलिए ले लो अपनी ड्यूक में लगा लो, अलॉय ही चेंज करा लेते हैं ना। नहीं 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 नहीं, अलॉय नहीं, इनके अलॉय में दिक्कत आगे वाले में, अलॉय नहीं कराऊंगा, पीछे वाला आगे वाला चलने दो। नहीं मैं कोई से नहीं कराऊंगा। चलो भाई ये ठीक है, चलो भैया एक बढ़िया जिंदगी तो उधर जाएगी लगने के बाद। 10,000 तो चल जाएगी विरल भाई? नहीं अजी, हाँ 7-8 हज़ार, नहीं 10 चलेगी, 10 चलेगी, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो बहुत प्यार से चलाता हूँ, मैं तो तेज थ्रोटल भी नहीं करता, व्हीली माननी मुझे आती नहीं। सही बात है, आपको देख के तो हम लोग सुधरे हैं, ठीक है, पहले हम बिगड़े हुए थे काफी ज्यादा, है ना, अब हमने भी थोड़ा बहुत अपने अंदर सुधार, ये इंप्रूवमेंट जिंदगी में बहुत जरूरी है। बस सर आप ही वो मोटिवेशन, थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू सर, ये मुझे अच्छा लगा, आप बहुत ग्रेट हो सर। बस इतना ही, बस खत्म करो नहीं। चलो 6-5-4-3-2-1 व्हीली। 130 सेकंड खड़े होने के बाद चली है। वाह। तो भाई अभी मैं चला रहा हूँ विरल भाई वाली ड्यूक, ये देखो वाह दीदी वाह, मजा आ गया भाई साहब। फोन पे बात कर रही हूँ, मतलब ही नहीं है उसे इस बात से कि कोई ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है, मस्त फुल पावर फोन पे बात करती हुई चल रही है, अमेजिंग। तो भाई डुगासुर में टायर डल चुके हैं, अब विरल भाई को मैंने दिया, मैंने कहा चलाओ थोड़ा टेस्ट करो, बताओ कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं अल्फा H1। अरे 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 अरे, ये वाली रेड लाइट कब से लाल होने लग गई, तो ब्लिंक करा करती थी। ओहो, एक तो इस रोड पे इतनी रेड लाइट है ना, इरिटेटिंग। तो बस अभी अविरल भाई आगे निकल गए हैं, पता नहीं वो नेक्स्ट रेड लाइट पे हैं उससे आगे वाली पे हैं। कह रहे थे अभी हैंडल थोड़ा अजीब लग रहा है, देखो आ गया फ़ोन, आ गया उनका, तो कह रहे हैंडल थोड़ा अजीब लग रहा है, मैंने कहा हाँ लगेगा वो तो अभी पाजी थोड़ा।
कहाँ पे हो? आ गया मैं, कुछ 200 कह रहा हूँ, सॉरी 100 चलाती हुई लाया हूँ मैं। बढ़िया चल रहा है विरल भाई टायर? जो बात है, मेट जिलर से अच्छा है। हाँ रोड पे चिपकना ही चाहिए, बस हमें यही तो चाहिए। एक तो इसके क्विक शिफ्टर में आग लगी रहती है ना आपकी बाइक के, गियर नहीं बदल कर ले लो, डाल रखी है फिक्स है यहाँ पे है। हाँ देखो भाई ये रहा अल्फा H1 डलवा दिया, हवा ज़्यादा हो रही थी ना इसके अंदर, अब हवा निकलवा दिया तो बढ़िया लग रहा है। पर अविरल भाई ये पीछे से ना थोड़ा पतला नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है 150 नहीं है ये जो स्किड मार, ये जो स्किड मारी है ना अभी, ये जो स्किड मार के आपने इसके आधा किलोमीटर की लाइफ कम करी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अरे थोड़ी क्या देखने तो मारी है ये, कीप क्वाइट हो जाओ एकदम। अच्छा फोन कट कर रहा हूँ, अब बोलो। मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है? हाँ नहीं मैंने कट करा है, बोलो आप। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा है, फीडबैक अच्छा आ रहा है। और जो हैंडल में आप कह रहे थे भारी भारी लग रहा है वो? भारी है पहले से लेकिन बेटर है। बेटर है, चलो ठीक है, अभी आप चलाओ और अच्छे से पता चलेगा है ना। अभी चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिर देखते हैं जो सीन है ना। अभी आप इसको चलाने इसको? नहीं आप चलाओ, मुझे इसमें मजा आ रहा है। पिछले टायर का आपको मजा आ रहा है? अच्छा मतलब लीन करते हो, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल आएगा, घुटना जमीन पे होगा मेरा। गाइस आग लग गई, आग लग गई, गाइस आग लग गई। उई अरे 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 भाई इसका ना आग वाग नहीं लगी, मजाक कर रहा हूँ। इसका टायर अविरल भाई इसका टायर फटा है, इसका टायर नहीं फटा, हमारी फट गई भाई। इतनी जोर से और ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे लेफ्ट राइट, मैंने इतने में कैमरा ऑन करा, इतने में तो डांस बंद हो गया। 1-on-1 रेस लग रही है। भाई अपन पहुँचने वाले हैं बस मायापुरी KTM, सही है। तो बस अपन पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर। और अविरल भाई ने फुल पावर एकदम कोर में टेस्टिंग कर ली है टायर्स की, बड़ा इंप्रेस हो रहे हैं टायर से, कह रहे हैं मैट जिलर से भी अच्छा है। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं कुछ, चलो अब अगर कर रहे हैं तो होगा। लो निकल गए भाई KTM से, चले नहीं। अब वो मानसरोवर गार्डन है पार्क, कहाँ है वो यार? वो इसके सामने ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। आप मैप लगा लो। मैप नहीं लगाएंगे, ऐसे ही घूमेंगे। देख यहाँ पे दिल्ली कैंट घुमा के लाया था, अब इस तरफ घुमा के लाऊंगा। आप देख रहे होगा इधर भी बेफालतू में दिल्ली कैंट ले गए, आना मायापुरी था। और देखो अभी मैप नहीं लगाया, चल दिए चलो। और यूं और कह रहे नहीं लगाऊंगा, कर लो जो करना है। तो भाई अभी तो इसके अंदर अपोलो अल्फा डालने के बाद मैं तो फर्स्ट टाइम ही चला रहा हूँ, देखता हूँ भाई कैसा है टायर कैसा नहीं है। अविरल भाई को तो बहुत पसंद आया है, इनका एक्सपीरियंस इसलिए नहीं पूछा भाई, फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा था, थोड़ा सा चार्ज करा है अभी। और बाकी अविरल भाई तो कह रहे हैं भाई बहुत ज़बरदस्त टायर है, मस्त टायर डलवाया है, मस्त चल रही है बाइक। और कह रहे थे हैंडल थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है, यार ये चीज़ मेरे को देखनी पड़ेगी हैंडल हैवी क्यों फील हो रहा है इनको। थोड़ा सा भी चलाता हूँ ना, पर मुझे एक चीज़ तो फील हो रही है भाई, यार ब्रेक कितने मस्त लग रहे हैं इसके अब। मतलब पीछे वाला जैसे मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना गाइस, बाइक रुकने के लिए रोड नहीं छोड़ रही है। अविरल भाई मस्त चल रही है, तो बस आगे का थोड़ा ऐसा लग रहा है हैंडल लेफ्ट राइट ज़्यादा ज़िगज़ैग होना चाह रहा है, मतलब लीन होना चाह रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मे भी शायद गाइस अभी देखो न्यू टायर डले हैं इस वजह से ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हवा ज़्यादा है मुझे लग रहा है बाइक में। यार हवा ज़्यादा है अविरल भाई, कूद रही है गड्ढों में, कम करवानी पड़ेगी। बाकी एक बार भाई थ्रॉटल खोल के देखते हैं, अरे
ये तो लीन करने को अपने आप कह रही है, पागल हो गई क्या ये? मैंने एक बारी गाइस अपने स्टाइल में थ्रोटल करा जैसे मैं करता हूँ ऐसे झटके से, ये इससे मेन इम्पैक्ट आता है टायर के ऊपर जब थ्रोटल होगा ना, जितना तेज थ्रोटल होगा उतना ज़्यादा टायर पे फ़र्क पड़ेगा। आगे वाले ब्रेक का क्या स्टेटस है? चलो अभी कहीं पैनिक ब्रेकिंग करके देखूँगा। हाँ बाइट तो आ रही है। ओहो अभी तो इसमें पेट्रोल नहीं है, कंट्रोल फ्यूल पम्प फूक जाएगा अगर ऐसे चलाऊँगा तो। गाइस ये सामने स्प्लेंडर का टायर देखना एक बारी यार, ये क्या चल रहा है ये? अस्सी सेक्शन लग रहा है मुझे, 90 भी कहते हो मुझे बेइज्जती लगेगी इस टायर की। तो भाई देखो हायाबुसा, ओ हायाबुसा सॉरी, इनकी अविराल भाई की ड्यूक भी छोड़ दिया डिटेलिंग के लिए, बस अपनी बाइक उठा के चल दिए, इनको छोड़ता हूँ फिर अपन निकलते हैं घर। हाँ ओए भाई ये देखना, अरे तेरी अविरल भाई, अविरल भाई आप एक चीज तो देखो, इन्हें तो छपरी होने पे घमंड है। गाइस इन लोगों ने मेरे से आके बोला है कि भाई कैमरा ऑन करो और लिख देना 4 छपरी इन 1 स्कूटी, इन 1 स्कूटी क्या बोल के गए हैं, इन 1 व्लॉग पता नहीं क्या ही बोल के गए हैं, गायब हो गए अविरल भाई कहीं फिसल। अविरल भाई मुझे पकड़ना हल्का सा, भाई ये एंटोर पागल है ये, कोई सोचेगा वीडियो देख के कि मैं इन्हें पेड़ लेके आया हूँ और मैं जानता तक नहीं हूँ इन्हें, मैं कसम से बता रहा हूँ। ये देखो इन्हें तो भगवान का डर ही नहीं है गाइस। अरे आप ये वाला व्लॉग, ये थोड़ा टाइम लगेगा, नंबर ले लो ना आप, मेरा नंबर ले लो, 7070 6565।